दोस्तों बैसोया व्यूज़ में मैं राजेश बैसोया आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से मगर बहुत सुंदर गांव नंगला उदयरामपुर में। दोस्तों इस गांव की खासियत ये है कि ये गांव चारों तरफ से नहरों से घिरा हुआ है। आप यहाँ पर पिकनिक के लिए आ सकते हैं, कुछ दिन यहाँ पर बिता सकते हैं। आप यहाँ पर आकर एक अजीब सा सुकून महसूस करेंगे। दोस्तों ये गाँव एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट और एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। आप यहां पर पिकनिक के लिए आ सकते हैं पूरे परिवार के साथ। आप सिर्फ पिकनिक ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ यहां कुछ दिन आराम से सुकून भरे बिता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नंगला। अगर हम अक्षरधाम से दिल्ली मेरठ हाईवे की तरफ आते हैं तो पेरिफेरल वे से राइट साइड में ये नहर निकलती है। ये नहर सीधी नंगला गांव जाकर ही ख़त्म होती है। नहर में नहाना, पशुओं को नहलाना और मस्ती करना बच्चों का टाइम पास करने का सबसे अच्छा साधन है। वो छोटी नहर टी पॉइंट पर इस बड़ी नहर के साथ मिल जाती है। नहर के पास से ये रास्ता दादरी की तरफ जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भैंसा गाड़ी को सामान लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खेतों में चारा पहुंचाना, खेतों से सामान लाने के लिए बुग्गी का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम वापस वहीं पर आ गए हैं जहां पर बच्चे नहर में मस्ती कर रहे थे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये दिल्ली मेरठ हाईवे की तरफ से इधर आ रहा है। खेत के पास से ये रास्ता गांव में जाकर रुकता है। तो दोस्तों अब हम गांव में प्रवेश कर चुके हैं। ये रास्ता नहर के पास से आता है और सीधा गांव में ही रुकता है। ये कुलदेवता हैं, इनकी स्थापना घर घर में की जाती है और बड़ी श्रद्धा से इनको पूजते हैं। जैसे कि गांव में पशु घर घर में रखे जाते हैं तो पशुओं का ध्यान रखा जाता है कि कब उन्हें धूप में रखा जाए और कब छांव में रखा जाए। गांव की औरतें मेहनत करने में पुरुषों से बिल्कुल भी कम नहीं हैं। जिस तरीके से वो घर में काम करती हैं उसी तरीके से वो खेतों में भी काम करती हैं।
गांव में गलियां साफ सुथरी और मकान बड़े बड़े हैं। ये गांव का मंदिर है, यहाँ चलते हुए भजन मन को खुश कर देते हैं। मंदिर के ठीक सामने यूपी सरकार का स्कूल है। दोस्तों अब खेतों की तरफ चलते हैं। ये खेतों में सूर्य उदय का सीन है। नहर से नालियों के जरिए पानी खेतों में छोड़ा जा रहा है। धान जिसको यहाँ मुंजी बोलते हैं उसकी बुआई के लिए खेतों में पानी भरकर रखा जाता है। ये दृश्य खेतों में सूर्य अस्त का है और शायद मेरा अभी तक का सबसे अच्छा शॉट है। गांव से बाहर जाते हुए फैक्ट्री एरिया पड़ता है, वहां पर कुछ फैक्ट्रियां भी बनाई गई हैं। कोका कोला फैक्ट्री भी पास में ही है, जहां पर कोल्ड ड्रिंक का उत्पादन होता है। यहां पर नई फैक्ट्री के लिए निर्माण कार्य चल रहा है। ये सुंदर और लुभावना मंदिर गांव से बाहर जाते हुए रास्ते में पड़ता है। अब हम गांव से बाहर आ गए हैं। ये रास्ता उसी नहर के पास दूसरी साइड निकलता है।
आप यहाँ देखेंगे नहरों का जाल बिछा हुआ है। पुल के नीचे से निकलता हुआ नहर का पानी बड़ा सुंदर दृश्य बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ नहरों का जाल किस तरह से बिछा हुआ है। ये यहाँ की सबसे बड़ी नहर है जिसे यहाँ धैर्य की जाल बोला जाता है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, कृपया लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको गांव कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कृपया बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास हर वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। अगर आप इस गाँव में पिकनिक के लिए आना चाहते हैं या कुछ दिन बिताना चाहते हैं तो मेल कीजिए बैसोया.views@gmail.com पर।